The Sharanam Dasyami Sangham Sharanam. और विधायत्मक शक्ति की क्या कमी है इस पृथ्वी पर? क्या कमी है? समझ की कमी है, प्रेरणा की कोई कमी नहीं। ऊर्ध्वगामी जीवन की जो प्रेरणा है कोई कमी नहीं, और समझदार मनुष्यों की भी कमी नहीं इस पृथ्वी पर। ज्ञान बढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं। जितने समझदार लोग इस पृथ्वी पर है उतना काम नहीं हो रहा है, इसलिए नेटवर्क भी जरूरी है। मैं यूनिवर्सिटी का रूप इसलिए दे रहा हूं कि मनुष्य एक दूसरे से करीब आता जाएगा, धीरे धीरे समझने लगेगा, एक दूसरे को समझने लगेगा। जो संघ है उसका महत्व क्या है, गुरु चेला का एक बहुत सुंदर गुण है, तो मैं उससे ये सीख सकता हूं। काना छोटा है फिर भी शक्तिशाली है, उससे भी मैं कुछ सीख सकता हूं। अगर मुझे सीखना है, अगर मुझे समझना है, तो एक मैं छोटे बच्चे से सीख लूंगा कि वाह, इसकी जो समझ है वो अभी मेरी समझ नहीं। ये संघ है। तुम बुद्ध को कब समझोगे? चलो, तुम गुरु का आशीर्वाद तुम कब प्राप्त कर सकते हो? क्या विज्ञान है तुम्हारे पास? क्या समझ है आशीर्वाद का? आशीर्वाद की समझ क्या है तुम्हारे पास कि बुद्ध का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद तुम कब प्राप्त कर सकते हो? जब तुम संग में मित्रतापूर्ण हो। ऐसे ही नहीं कहा गया संगम शरणम गच्छामि, ऐसे ही नहीं कहा गया। ये कोई फालतू वाक्य नहीं है, ये सिद्ध वाक्य है। तुम जरा बोल के देखो, ये जीवंत है ये सूत्र। ये खोया हुआ है, ये जो मंत्र है इस पृथ्वी पर खोया हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, क्या अर्थ है? तुम ऐसा समझते हो कि गौतम बुद्ध के लिए ही सही है? तुम बोलना शुरू करो, इस पृथ्वी पर जो बुद्ध है तुम उसके शरण में अपने आप आ जाओगे। तुम देखो मंत्र की शक्ति, ये हर जगत पर शक्य है। पृथ्वी जितनी बार आगे भी बनेगी और मिटेगी, जितनी बार बुद्ध प्रकट होगा और उसका संघ प्रकट होगा, जब भी दुनिया होगी, ये सूत्र सही रहेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये वो सूत्र है कि तुम अभी बोलना शुरू करो। जहां पर भी तुम हो, तुम चाहे जेल में क्यों नहीं हो, चलो तुम चाहे जेल में हो, मैं कहता हूं मेरी वाणी पहुंचनी चाहिए जेल में। जेल से तुम्हारा जीवन उठ सकता है ऊपर। तुम कहीं भी क्यों ना हो, चलो, कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया, तुम देखो तो सही, जिसे हम अवतार कहते हैं उसका जन्म स्थान तुम देखो कहां पर है।